हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ, लेकर आया हूँ आप सभी के लिए मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिकरिंग डेसिमल। तो ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है और ये आने वाले कुछ एग्जाम्स लाइक मैं बोलूँ तो लेखपाल या ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ है रेलवे का या रेलवे एनटीपीसी सीबीटी का 2, तो उसमें ये सिर्फ ये पूछे जा सकते हैं। तो आइए इस पे बात करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार है कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिकरिंग डेसिमल या हिंदी में बोले तो आवर्ती दशमलव होता क्या है। तो जैसे कि यहां से स्टार्ट करते हैं, ये लिखा हुआ है, कभी ऐसा होता है हम किसी नंबर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद वो कभी कट नहीं होता है, पूरी तरीके से ऐसे 1111111 के फॉर्म में आ रहा हुआ है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे 0.1 और ऊपर उसके बाद, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ऐसा हम लोग लिखा जा सकता है। इसके कुछ और फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि 0.1 के बाद 0.11 ऊपर बार, कोई दिक्कत नहीं है। 0.111 के ऊपर 3 बार, तो कोई दिक्कत है? नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी नंबर को अगर हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाते हैं तो इस तरह से आंसर आता है और इसी को हम लोग बार में चेंज कर सकते हैं, इसी को हम लोग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं या आवर्ती दशमलव बोलते हैं हिंदी में। बाकी ठंड बहुत पड़ रही है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, आसपास सफाई बनाए रखिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0.565656 है तो जो नंबर रिपीट हो रहा होगा उसको हम लोग लिखते हैं, जैसे कि 0. क्या नंबर रिपीट हो रहा है, क्या 5 रिपीट हो रहा है? बराबर नहीं, 56 हो रहा है, फिर 56 हो रहा है, फिर 56 हो रहा है, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 56 और ऊपर हो गया बार, ये हो गया एक्चुअल में। लास्ट वाले को लिख सकते हैं 0.375 और उसके ऊपर आ गया बार। ये बात आप सभी को समझ में आई? आई थिंक आ गई होगी, यानी कि जो चीज रिपीट हो रही है उसके ही ऊपर अपना बार लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि जो रिकरिंग डेसिमल होता है वो हमारा कुल मिलाकर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल रिकरिंग, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिकरिंग। सिंपल रिकरिंग में क्या होता है, बिल्कुल इस तरह से आता है, 0.7 की पावर में ऊपर बार लगा होता है और अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो ये ऐसे आता है 0.777777 करके इनफाइनाइट तक आता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। 0.38 है तो क्या इसको 0.38388 इस तरह से लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, यही हमारा सिंपल रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं? तो कॉम्प्लेक्स कुछ हमारा इस तरह से होता है कि वो 0.76 को, ये आई थिंक यहां नहीं होगा, ये यहां लगा होगा, 0.76 के ऊपर अगर बार लग जाता है तो यानी कि 0.7 तो आएगा, उसके बाद 6 रिपीट होगा, यानी कि 6666 ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेसिमल। 0.373 ये एक ही बार आएगा, जो चीज बार में नहीं है वो एक ही बार आएगी और जो चीज बार में है वो कई बार आएगी। ठीक है, रिपीट होती जाएगी, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेसिमल का टाइम। अब अपने क्वेश्चन के लायक क्या है उस पर हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं और आगे बढ़ते मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले अगर कोई नंबर हमारी 0.7 जैसे लिखी हुई है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो P/Q के फॉर्मेट में लिख लेंगे। सिंपल सी बात है, लिखा कैसे जाता है उस पर बात करते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, जो नंबर लिखा हुआ है उसी को ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर पे क्या करेंगे, जितने के ऊपर बार है उतने ही 9 लिख देंगे। ठीक है भाई, नहीं समझ में आया, चलो भाई आगे देखते हैं अपन लोग। 0.8 के ऊपर बार, तो अगर इसको हम लोग P/Q के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, जो मेनली क्वेश्चन यहां से बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे अपन लोग, जो नंबर लिखा हुआ है उसको ही ऊपर न्यूमरेटर में लिख देंगे, रिपीट कर देंगे।
और डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जितने के ऊपर बार है उतने यहां पर 9 आ जाएंगे। ठीक है भाई, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आया, चलिए भाई कोई बात नहीं, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन लेते हैं, 0.72 और 0.36। ठीक है, तो देखिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ते हैं, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूं, रिकरिंग डेसिमल का एक भी कॉन्सेप्ट यहां से बाहर नहीं जाएगा, और इतने इतना ही पढ़ लिया आपने तो आपका काम हो जाएगा। और ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चों के लिए नहीं है, ये हम अपने जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, 6, 7, 8 वाले जो बच्चे हैं एकेडमिक वाले, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर। चलिए तो आते हैं 72 लिखा है, तो भाई इसे आप 72 आप इजीली उतार दीजिए। और डिवाइडर मैंने अभी आपको बोला था, आप क्या करेंगे, जितने के ऊपर बार लगा है उतने आप 9 लिख देंगे। तो 2 के ऊपर लगा ना बार, तो 2 बार आपने 9 लिख दिया, डन। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर क्या किया आपने, जो नंबर लिखी है उसको उतारा और नीचे आपने 2 बार 9 लिख दिया। अब इसको आप अगर 3 से कट करके आप करना चाहें वो अलग बात है, आप अपना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अलग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और ये पकड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 375 और डिवाइड में गया 3 बार 9। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, पूरा आपको कॉन्सेप्ट ये चीज समझ में क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इसके आगे नेक्स्ट के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अभी तक आपने जीरो तक के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि जीरो पे 0.05 समथिंग बात होती है। अगर कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए कि 2.77 के ऊपर बार लग जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए इस पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको दो पार्ट में तोड़ लेना है। लाइक अगर मैं इसको 2 को अलग कर दूं और 0.7 बार को अलग कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसी में अपन लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, 2 को इसी तरह से रहने देंगे, प्लस करेंगे। और ये 0.7 का कॉन्सेप्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा चुका हूं कि आपको क्या करना है, 7 को वैसे ही रखना है और जितने के ऊपर बार है उसमें आपको 9 लगाने हैं, बस। ठीक है, तो आई थिंक यहां से आप क्लियर हो जाएगा। 9 to 18, 18 to 7, 25 upon 9, ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है भाई, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ये वाला, थोड़ा सा जगह स्पेस मिल जाएगी। चलिए भाई, 3.76 और 76 के ऊपर बार था 4.33 और इसके ऊपर बार। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो अपने को क्या करना है, बस 3 को 7.67 से अलग करना है, 76 से अलग करना है। पहला काम आपने ये कर लिया, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 प्लस, बस ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले अभी हम लोग सीख चुके हैं कि सेम टू सेम चीज को ऊपर रख दो न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर पे अपने को क्या रखना है, तो अपने को रखना है जितने के ऊपर बार उतने 9। बस इन तीनों को सॉल्व कर लो और आंसर यहां से निकाल लो, तो हो जाएगा 100 से 297 और 297 में 76 ऐड करोगे तो 373 आ जाएगा, या मैं 370 या ऐसे लिख लूं 376 upon 99, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं होल वैल्यू के रूप में। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ, कैसे हो रहे हैं। तो 4.33 है, चलो भाई 4 को अलग करते हैं और 0.33 को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, तो 4 को अलग किया और प्लस 33 upon 99, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब, इसको यहां से कट कर सकते हैं, 1 यहां से 3 कर सकते हैं, 4 से 12 और 12 और 1 हो गया 13/3, ये भी हम लोग यहां से
लिख सकते हैं। तो देखिए कितने इजी तरीके से क्वेश्चन हो गया, और ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन आते नहीं है, एक या दो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपके सामने पड़ जाते हैं और आप डर जाते हैं भाई ऐसा कैसे, ठीक है? तो ऐसा कैसे, तो ऐसा ऐसे होता है, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं 0.32। अब अच्छा इसके ऊपर अगर एक बार आ जाए, ये वाले चलो सॉल्व हो गए। अब यहां पर क्या नया कॉन्सेप्ट है कि 3-2 है और 2 के ऊपर बार है, यानी कि कॉम्प्लेक्स वाला केस बन गया ये। तो कॉम्प्लेक्स वाले केस में क्या करते हैं, पहले तो मैंने बोला कि जैसा आपने जो यहां पर वैल्यू लिखी है उसको आप सेम टू सेम एटीट्यूड उतार दीजिए, जैसा अभी तक आप करते आ रहे हैं। नेक्स्ट, जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उसको आप यहां से माइनस कर दीजिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट, जितने के ऊपर बार लगा है उतने ही 9 लगेंगे, 9 लगेंगे वहां पर, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उतने यहां पर क्या लग जाएंगे, 0 लग जाएंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। 32 में 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 29 और आ गया डिवाइड में 19। बस यहीं पर आपको सेट करना था, कैसे करना था, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग और समझेंगे, ठीक है भाई। चलिए बोला गया है 0.567, तो 567 को आप सेम एट इज इट वैसे ही उतार लीजिए, माइनस कर लीजिए। माइनस में आपको क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो इस 5 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, इस 5 को आप यहां से माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या रखना है, तो डिनोमिनेटर में रखने हैं 9 और 0। तो जितने के ऊपर बार लगा है, कितने के ऊपर, तो 2 के ऊपर, तो 2 बार 9। जितने के ऊपर बार नहीं लगा है, तो 1 के ऊपर नहीं लगा है, तो 1 बार 0। काम खत्म। 562/990, ठीक है भाई, ये भी हो गया क्लियर। कॉम्प्लेक्स में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो भाई कैसे करेंगे, तो भाई सेम टू सेम वही करेंगे, एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, जो हम लोग ये वाला एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, 2+0.375 के ऊपर 75 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, 2+0.375 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे 375 - 3/990, ठीक है। इसको सॉल्व करिया तो आया ये 372/372/990, ठीक है। इसको थोड़ा सा काट पीट के सॉल्व करेंगे तो पूरा आ जाएगा 2186/495, ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और बताना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके दिमाग में इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट या इस तरह से कोई ख्याली फुलाव सूझ रहा है कि अगर 4 के ऊपर बार लगा है, पॉइंट में 03 लिखा हुआ है, तो क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। बट ये केस सिर्फ वो वाला होता है जब हमारा जो अगली वाली वैल्यू है, यानी कि इंटीजर वाली वैल्यू है, वो माइनस में होती है, ठीक है। तो यानी कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 0.03, बस इसका ही आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 3.97, ये आ जाएगा 0.3, ठीक है, 4.3 है आंसर में, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक और बता देता हूं मैं, जिसमें अपन लोग अंडर रूट में करते हैं, अंडर रूट क्यूब 0.037 और ऐसे बार लगा हुआ है, ठीक है भाई। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर क्यूब रूट के अंदर ऐसा कुछ बन के आ जाता है बार वाला सिस्टम, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो भाई ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको क्यूब मानिए और यहां पर लिख सकते हैं जैसा कि अपन लोग करते आ रहे हैं, तो 37/ और कितने के ऊपर बार लगा है, तो 3 के ऊपर बार लगा है, तो 3999 बन जाएंगे, ठीक है। हाँ ऐसे ही बनेगा। अब शायद इसको यहां से ऐसे इसको कट कर सकते हैं, ये कट किया तो ये आएगा आंसर में अंडर रूट में 3/1/27, और 1/27 बाहर आएगा, तो ये आंसर तुमको देके जाएगा 1/3, ये आपका आंसर हो गया।
तो आई थिंक ये छोटा सा वीडियो रिकरिंग डेसिमल के ऊपर आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो यहीं तक था, आप इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, दोबारा से पूरा समझ लीजिएगा, रिवाइज में देख लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा और देखते रहिए आर एल लर्निंग क्लासेस।